नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। खबर अनूपपुर से, जहां के बकैली गांव में बन रही एक सरकारी गौशाला का विरोध शुरू हो गया है। गांव के लोगों ने कहा कि दर्जनों लोगों के नाम पर पहले से ये जमीन दर्ज है और इसके बाद भी सरपंच और सचिव ने इसका प्रस्ताव दे दिया। इसका विरोध पहले भी कलेक्टर की जनसुनवाई में किया गया था, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला प्रजापति के नेतृत्व में कई ग्रामीण प्रदर्शन पर उतर आए और उन्होंने इस गौशाला निर्माण का विरोध किया। जनता के नौकर हैं, शासन के नौकर नहीं है। शासन कर्मचारी भी जनता के नौकर होते हैं। क्या आंदोलन किया आप लोगों ने? ये गौशाला निर्माण किया जा रहा है बीच बस्ती में, उसे हटाकर कहीं साइड में बनाया जाए। क्या प्रॉब्लम है आपको बीच बस्ती में गौशाला? गंदगी फैलेंगे, लोगों की पत्ते राज्य की जमीन है, काफी पट्टे राज्य की वो जमीन है, इसके निर्माण की जाए। 5 एकड़ की प्लाट है। कितने लोगों की जमीन? 8-10 लोगों की जमीन जो क्षतिग्रस्त में जा रही है। 10 लोगों की जमीन, 10 लोगों की जिनके नाम उसमें डाला हुआ है। तो क्या आपने प्रशासन से कभी इस बात को बताया? हमने एक बार नहीं, 1000 बार हमने बात किया है, लेकिन सीधे धमकी दिया जाता है कि कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। कौन धमकी देता है? तहसीलदार, RI, DM। ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे गरीब भाई बहनों के जमीन पे अत्याचार किया जा रहा है। कैसे? ये प्राइवेट जमीन, पट्टा की जमीन पे किसी का स्वामी अधिकार होता है, बट यहाँ सरकारी कर्मचारी ऐसा किए हैं, दाना देते हैं यार, बोलते हैं जो करना कर लो, कुछ नहीं करेंगे। कौन सरकारी कर्मचारी? हाँ, कौन सरकारी? ये सचिव हो गया, सरपंच हो गया, और ये क्या बोलते हैं यार, पटवारी, दुनियादारी। कौन से गांव के? बकेली गांव, ग्राम पंचायत। बकेली गांव में कितने लोगों की जमीन ले ली है शासन? 20-25 लोग का जमीन जो फंसा है वो ले लिए। वहां पर शासकीय गौशाला बनना है, शासकीय भूमि बनना है, और इन लोग आरोप है कि हम लोग कब्जे दखल के हैं, पट्टे की जमीन है, उस पर निर्माण हो रहा है, उसको रोका जाए, इस बात का ज्ञापन है। तो किसके नाम पे ज्ञापन है सर? वो राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन है, तो हमने ज्ञापन ले लिया है, उसको राज्यपाल महोदय को दे। आपको भी सर पहले जानकारी, प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि उस जमीन पे विवाद है या कुछ इस तरह की? नहीं, उसको तहसीलदार RI लोगों ने नाप लिया है, वहाँ पर शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि नाप करके ही उसका निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।